वेलकम यू टू माई चैनल SSC स्मार्ट क्लासेस। आज आप लोगों के लिए जो आप बार बार बोल रहे थे कि RTI लगाओ कि CGL 2022 की जो मेंस की डेट है वो कब तक आएगी, तो आज इन्होंने रिजल्ट से पहले ही मेंस की डेट जो है वो अनाउंस कर दी। कुछ बैड न्यूज़ भी हैं और कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए। इतने सारे शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट, पहले तो मैं डेट बता देता हूँ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, तो 2 से लेकर 7 तक की मार्च की 2023 तक के आपके बीच में एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होंगे। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आप ये जाएंगे, यानी लगभग 14 से 15 गुना कैंडिडेट इन्होंने बुलाने हैं, ठीक है। तो वैकेंसी 20,000 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ये जो SSC में अभी तक नोटिफाई है, RTI भी लगा के देख लिया था, तो 20,000 का 15 गुना तो 3 लाख, 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट के आसपास के लोग बुलाएंगे। इतनी सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है, तो एक सबसे बड़ा जो एलिमिनेशन फैक्टर बनेगा नॉर्मलाइजेशन। तो अभी नॉर्मलाइजेशन के वजह से पॉइंटों में भी स्टूडेंट बाहर रहेंगे, तो फिर उसके बाद स्टूडेंट कहेंगे कि हमारा नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है, हम पॉइंट से बाहर रह गए, क्योंकि इस बार ख़तरनाक कंपटीशन होने वाला है। और वैकेंसी जो है वो आपकी 30,000 प्लस हैं, अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की हैं, हालांकि ये सारी वैकेंसीज अभी टेंटेटिव हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जितनी वैकेंसी आपको दिखाई जा रही है RTI में उतनी ही है। अब यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है ये देखिए। देखिए अगर मैं 2021 के डाटा को एनालाइज़ करूँ, ठीक जैसा मैंने बोला था आपको बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कब तक दी, आपका CGL 2022 का Tier 2 भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक में, आप एक्सपेक्ट करिएगा सकता है। मैंने आपको बताया था जो आपका मतलब मेंस की डेट है वो मैंने आपको 1 मार्च के उस पर बताई थी कि इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट लोगों ने उसको मजाक में लिया। बट जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ विद प्रूफ यहाँ पे आप वीडियो में देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब आगे, तो यहाँ पे जो मैं 2021 की बात करूँ तो उसका 2021 का 2 मई को आपको आंसर की आई थी, 2 मई को आंसर की के बाद आपका क्या हुआ था, आंसर की के ठीक मतलब 2 महीने बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, आंसर की के 2 महीने बाद, यानी कि आपका मतलब 2 से 3 जुलाई को जो है वो आपका रिज़ल्ट आ गया था, और उसके ठीक 1 महीने बाद आपका मेंस कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अभी मेंस की डेट इन्होंने 2 से दे दी है, तो अगर मैं इसका 1 महीना बैक करता हूँ तो 2 फरवरी ऑलरेडी जा चुकी है। SSC की वेबसाइट अपग्रेड हो रही है, काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जॉब कर रहे हैं SSC में, तो उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सी नॉलेज, तो उन्हें बताया कि SSC की वेबसाइट अपग्रेड हो रही है, इसी वजह से रिज़ल्ट जो है वो आपका थोड़ा सा डिले आ रहा है। हालाँकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो रिज़ल्ट आप आजकल में ही एक्सपेक्ट करिएगा, यानी 10 तारीख से पहले पहले आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी जो है वो आपको करनी पड़ेगी, कंप्यूटर को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, तो कंप्यूटर अब बहुत कम टाइम रह गया है, कुछ भी टाइम नहीं रह गया, फरवरी का तो महीना वैसे ही छोटा रहता है, तो भैया आपको कंप्यूटर की बहुत बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। अगर कंप्यूटर की प्रिपरेशन बेस्ट नहीं की तो भाई आप सारे एग्ज़ाम से एलिमिनेट हो जाओगे। बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं 4200-4600 ग्रेड पे वाली, इसमें ऑलरेडी आपको जो है वो उसमें कट ऑफ ज़्यादा मांग रखे है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की बहुत बेस्ट बुक मैंने बनाई है, टाइम कम है तो मैं कहता हूँ कि वो PDFs जो है वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, उससे बाहर नहीं आपको देखने को मिलेगा। मैं कहूँ 98% कंटेंट आपको उस PDF में से ही आ जाएगा, तो अभी तो मत आप वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कीजिए, बहुत यूनिक कंटेंट है PDF का, बहुत रीजनेबल प्राइस में, इधर उधर मत भागिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। तो ये आपकी कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर जो है वो आपके लगभग हर एग्ज़ाम में 2023 के लिए, तो आप कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में आप देखोगे, ठीक है। इसमें आपके 2000 प्लस MCQ हैं, TCS के सारे पुराने पेपर हैं, इसके अलावा जो बाकी आपके और एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा सिलेबस चाहिए वो भी मैंने सारा इसमें जो है वो मेंशन कर दिया, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, आपको हर टॉपिक के साथ जो है वो MCQ देंगे। SSC का अलग सिलेबस है यहाँ पर, और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता हूँ, तो इसमें आपको जो है वो टेबुलेटेड फॉर्म में मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलेंगी, ताकि आपको एक ग्रिप मिले, ठीक है, आपको पढ़ते ही याद हो जाए चीज़ें, और साथ में आपको जो कलर्ड PDF है वो मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। डिस्क्रिप्शन में एक सैंपल PDF है, वहाँ जाके आप सैंपल देख सकते हैं इसका, और अगर आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।